तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो जाने से पूरा तमिलनाडु शोक में डूब गया है। रास्तों में सन्नाटा छा गया है और अम्मा के चाहने वालों का रो रोकर बुरा हाल है। दिवंगत मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए राजाजी हॉल में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। राज्य में हर जगह अम्मा के समर्थक काफी गमगीन हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। जयललिता के पार्थिव शरीर के करीब जाने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। उस जगह की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है और कतारबद्ध लोग कुछ दूर से ही अपनी नेता के दर्शन कर रहे हैं। लोगों की सिसकियों के बीच एक ही आवाज सुनाई दे रही है, अम्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत अपने परिवार के साथ राजाजी हॉल में जयललिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। जयललिता का पार्थिव शरीर उनकी पसंदीदा हरे रंग की साड़ी में लिपटा हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने जयललिता के निधन के मद्देनजर मंगलवार से रात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस अवधि में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन भी नहीं होगा। पड़ोस के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने भी जयललिता के सम्मान में कल सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है। जयललिता ने कई सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं शुरू की, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निपटने के लिए क्रेडल टू बेबी स्कीम, बच्चियों को जन्म देने वाली महिलाओं को मुफ्त सोने का सिक्का देने जैसी योजनाएं प्रमुख थीं। इसी तरह गरीबों के लिए उन्होंने अम्मा साल्ट, अम्मा वाटर और अम्मा मेडिसिन योजनाएं भी शुरू की। यही वजह है कि जो पूरे तमिलनाडु में वो अम्मा बन गई। देखते रहिए डीबी लाइव।